हेलो एवरीबॉडी। तो हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम। तो यूरोपियों का आगमन पैनलेशन तकरीबन 13-14 वीडियो में हमने कंप्लीट किया। तो अब हम आज दूसरा लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दूसरा लेसन है ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति। ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति दूसरा लेसन नहीं है, ये चौथा लेसन है। मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम किताब अगर आप पढ़ोगे तो ये चौथा लेसन है। तो ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति, तो इसमें जैसा कि चैप्टर में है कि ब्रिटिश विजय जब वो चल रहा था, ब्रिटिश का प्रभुत्व जब हमारे देश में पूरी तरीके से छा रहा था, तो उस वक्त भारत की स्थिति क्या थी, भारत कहाँ पर खड़ा था। तो और फिर सबसे पहले हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, मुग़ल साम्राज्य का पतन। ठीक है, 18वीं शताब्दी के पूर्वाध में महान मुग़ल शासक शक्ति और प्रतिष्ठा का भारी पतन हुआ। तो 18वीं शताब्दी के लास्ट में ही मुग़ल शासन की शक्ति पूरी तरीके से औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक के बाद एक ढहना शुरू हो गई। साम्राज्य जिसने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक भारत के अधिकतर हिस्सों पर नियंत्रण किया, उत्तर से दक्षिण लगभग 250 मील 100 मील चौड़े समकोणीय पत्ती के आकार तक सिमट गया। तो मुग़ल साम्राज्य की यहाँ पर बात की जा रही है कि वो साम्राज्य जो 200 साल तक पूरी तरीके से पूरे भारत में छाया रहा, वो एक 250 और 100 मील चौड़े समकोणीय पत्ती के आकार में आकर के सिमट गया, यानी कि दिल्ली तक आकर के सिमट गया। तो साम्राज्य की न केवल राजनीतिक सीमा सिकड़ी अपितु प्रशासनिक ढांचा भी ध्वस्त हो गया। तो जाहिर सी बात है कि सीमा जब सिकड़ रही है तो हर तरह से जो है मुग़ल कमज़ोर हो रहा था, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर भी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो ये रीज़न था कि जिसके वजह से जो है मुग़ल को जो दिक्कतें आ रही थी, लोग एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार थे। मतलब लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, मतलब क्या कि अपने करतूतों की वजह से ही मुग़ल साम्राज्य खुद ब खुद जो है लोगों की नज़र में कमज़ोर से कमज़ोर होता चला गया। और फिर लोगों को ये मानते हुए देर नहीं लगी कि मुग़ल साम्राज्य की प्रकाष्ठा अब वैसी नहीं रही जैसा कि पहले हुआ करती थी। तो साम्राज्य की न केवल राजनीतिक सीमा सुकड़ी अपितु प्रशासनिक ढांचा भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, जिससे स्वयं के अंतर विरोध के अंतर्गत अकबर और शाहजहां जैसे महान शासकों द्वारा परिश्रम पूर्वक निर्मित किया गया था। देखिए, मुग़ल शासक की अगर बात करें तो कुछ ही ऐसे शासक हुए कि जो होनहार थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, काबिल थे। अधिकतर जितने भी थे सारे निकम्मे थे और उन्हें रूल करने की प्रशासनिक गुणवत्ता जो होनी चाहिए एक शासक के अंदर, वो बातें उनके अंदर नहीं थी। तो औरंगजेब की गलत नीतियों ने मुग़ल साम्राज्य की स्थिरता को छीन किया, लेकिन सेना और प्रशासनिक व्यवस्था नामक 2 स्तंभ 1707 ईस्वी तक भी सीधा खड़ा रहा। तो औरंगजेब के बारे में ये कहा जाता है कि औरंगजेब की जो नीतियाँ थी वो थोड़ा हिंदुओं को लेकर सख्त थी, मुसलमानों को लेकर ढील थी, और थोड़ा इस्लामिक विचार के ऊपर ज़्यादा वो अपने आप को उतारने की कोशिश किया करता था। तो ये बात अगर आप कहेंगे तो ये बात मैं नहीं मानता, इसलिए क्योंकि औरंगजेब हो या फिर अकबर हो या फिर कोई भी मुग़ल शासक या फिर कोई भी मुसलमान शासक जो अपने आप को मुसलमान कहता हो, वो केवल शासक थे, वो कोई मुसलमान या कोई धर्म के प्रचारक नहीं थे। वो अपनी मर्जी से जो उनके प्रशासनिक ढांचे को फ़ायदा पहुंचाता था वो काम वो करते थे, और जिससे उनको नुकसान होता था वो काम वो नहीं करते थे। हो सकता है कि वो धर्म का उपयोग अपनी शासन को मजबूत बनाने के लिए कर रहे हो या फिर उसमें उनका कोई लाभ छिपा हो, ये रीज़न हो सकता है। लेकिन 100% अगर कोई ये कह दे कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मुसलमान शासक था, तो ये कहना गलत होगा। कोई मुसलमान शासक या हिंदू शासक नहीं होता, शासक केवल शासक होता है। तो 1707 ईस्वी तक ये जो चीज़ें ख़राब हुई और मुग़ल बादशाह की जो मौत 707 में हुई, तो यहाँ से जो है औरंगजेब की जो नीतियाँ थी, जो पहले औरंगजेब जब सत्ता में आया तो औरंगजेब की नीतियों की वजह से पहले से ही स्थिति खराब हुई और 1707 के बाद लगातार ख़राब होती चली गई। तो उत्तराधिकार की लड़ाइयाँ कमज़ोर शासकों ने 1707 से 1719 तक दिल्ली को त्रस्त और परेशान कर दिया। अब मुग़ल के बाद औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए, ये सारे शासक किस टाइप के थे? ये सारे के सारे जो है बहुत ही कमज़ोर थे, बहुत ही लालची और बहुत ही कह लें कि कोई नैतिक मूल्य इनके अंदर नहीं हुआ करता था। तो मोहम्मद शाह ने 29 वर्ष की लंबी समय अवधि तक शासन किया, और तथापि उसकी अक्षमता के कारण शाही भाग्य का पुनर्द्वार असंभव था।
तो मोहम्मद शाह 29 वर्ष तक एक ही ऐसा व्यक्ति था औरंगजेब के बाद जो 29 साल तक शासन किया, लेकिन ये शासन भी ये इतना कर्मठ नहीं था कि 29 साल शासन करने के बावजूद उस क्षमता को वो नहीं पा सकता था जो क्षमता पहले मुग़ल का पहले हुआ करता था। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान निजामुल मुल्क ने 1724 में वजीर के पद से इस्तीफ़ा दे दिया और स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना करने हेतु दक्कन चलाया। बंगाल, अवध, पंजाब भी इसी तरह का अनुसरण किया और साम्राज्य का उत्तराधिकार राज्यों में विघटित हो गया। कई स्थानीय प्रमुखों ने अपनी स्वतंत्रता का दावा करना शुरू कर दिया और मराठों ने शाही दायित्व उत्तराधिकार प्राप्त करने में प्रयास करना शुरू कर दिया। तो 1724 में ही देखिए अब क्या हुआ कि जो बड़े बड़े मंत्री हुआ करते थे मुग़ल बादशाह के दरबार में, जैसे बंगाल के लिए बंगाल का जो नवाब, ये अपना स्वतंत्र राज गठन कर लिया, हैदराबाद का नवाब अपना स्वतंत्र राज गठन कर लिया, अवध का नवाब, पंजाब, तो इस तरीके से अलग अलग जो जितने भी बड़े बड़े जो भूमिका रखने वाले जितने भी लोग थे वो सब अपने अपने स्वतंत्र राज्य का गठन करने के लिए जो है काम करना शुरू कर दिए। तो फिर ये हुआ अंततः चीज़ें जो है मुग़ल बादशाह के अनुकूल नहीं चल रही थी। तो साम्राज्य की अक्षुण्णता में मुग़लों के समक्ष चुनौतियाँ, तो अब जब साम्राज्य टुकड़ियों में बट रहा था, अलग अलग शासक जो है अलग अलग तरीके से मुग़ल से स्वतंत्र होते चले जा रहे थे, तो इस वक्त मुग़लों की सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या थी? तो उपर्युक्त आंतरिक कमजोरियों के अलावा मुग़ल साम्राज्य को उत्तर पश्चिम से विभिन्न आक्रमणों के रूप में बाहरी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। अब आंतरिक चुनौतियाँ तो थी ही, अब जैसे कि कोई निश्चित नहीं था कि शासक कौन बनेगा, इसका कोई निर्धारण नहीं हुआ करता था, तो ये चुनौतियाँ तो सबसे बड़ी चुनौती थी ही। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती बाहरी चुनौती थी, बाहर से भी काफ़ी सारे लुटेरों का खतरा मुग़ल दरबार पर जब कमज़ोर हो गया तो मंडराना शुरू हो गया। फारस के शासक नादिर शाह ने 1738 से लेकर के 1739 तक भारत पर हमला कर दिया था और लाहौर को जीत लिया और 13 फरवरी 1739 को करनाल में मुग़ल सेना को पराजित कर दिया, दिल्ली को ध्वस्त कर दिया गया। आक्रमणकारी ने मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया। देख सकते हो कितनी बुरी स्थिति हो गई थी कि नादिर शाह लगातार कई बार मुग़ल बादशाह को लूटेगा और फिर यहाँ पर देखिए 1739 में बंदी भी बना लिया, लाहौर भी जीत लिया और राज के खजाने और धनवान कुलीन लोगों की तिजोरियों से 70 करोड़ रुपये इकट्ठा करके ले गया। मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा नादिर शाह की लूटी कई चीज़ों में बेहद कीमती चीज़ें थी। अब लूटी गई राशि और चीज़ों से बेहद खुश हुआ और उसने फारसियों को आगामी 3 वर्षों तक कर से छूट प्रदान कर दी। अब इतना बड़ी मात्रा में मुग़ल का धन लूटा नादिर शाह ने 1739 में कि 3 साल तक अपने क्षेत्र में इन्होंने टैक्स वसूली नहीं किया। तो नादिर शाह ने काबुल सहित सिंधु नदी के पश्चिम का सामरिक रूप से महत्वपूर्ण मुग़ल क्षेत्र भी हथिया लिया, जिसने भारत को उत्तर पश्चिम की तरफ से होने वाले आक्रमणों के प्रति एक बार फिर से कमज़ोर बना दिया। नादिर शाह के पश्चात अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान पर अपना शासन कायम किया और 1748 से 1767 के बीच कई बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया, लगातार मुग़लों को परेशान किया। तो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ये दोनों मिलकर के जब मुग़ल कमज़ोर हुआ तो कई बार इन लोगों ने आकर के भारत को लूटा। तो 1757 में जब अंग्रेज़ों ने प्लासी का युद्ध जीतकर बंगाल में कदम रखा तो उसने दिल्ली पर आधिपत्य जमा लिया और मुग़ल बादशाह पर नज़र रखने के लिए एक अफगान केयर टेकर को पीछे छोड़ गया। उसने 1761 में मराठों का एक महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की जो इतिहास में पानीपत का तीसरा युद्ध के नाम से सुप्रसिद्ध है। तो अब देखिए क्या हुआ कि परिस्थितियाँ जो है अंग्रेज़ों के अब अनुकूल होनी शुरू हो गई। एक तरफ मुग़ल बादशाह को अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह जैसे लोग लूट रहे थे और दूसरी तरफ जो मराठा तक शक्तिशाली हो रहा था, तो मराठा को चुनौती देने के लिए अफगान 1761 में मराठाओं को चुनौती दिया और बुरी तरीके से पानीपत युद्ध में हराया। तो इस तरह से अंग्रेज़ों के लिए रास्ता क्लियर हो गया और 1757 के बाद एक बहुत शक्तिशाली राज्य के रूप में शासक के रूप में उभर के अंग्रेज आया और दिल्ली को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया। तो मुग़ल साम्राज्य के विघटन के कारण क्या थे? तो कुछ इतिहासकार इसको विश्वास करते हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक भारतीय अर्थव्यवस्था में तीर गिरावट के कारण मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ। तो ये एक बात की जा रही है, लेकिन यह सत्य है कि साम्राज्य के कई हिस्सों में अलग अलग समय के लिए अराजकता और युद्ध हुए, जिससे कि प्रतिकूल वित्तीय विपदा का जन्म दिया और केंद्रीय शासन ने अपनी शक्ति खो दी, जिसने दिल्ली को पतन को प्रवृत्त किया। तो लोगों ने प्रांतों की ओर प्रस्थान किया, बाजारों में अपनी प्राथमिकता खो दी, कलाकारों ने आजीविका प्राप्त के लिए अन्य स्थानों को गमन कर दिया और इसी प्रकार स्थिति आगरा और अवध की थी। सिख विद्रोह ने स्थिति को और गंभीर बना दिया, लाहौर और अन्य स्थानों के व्यापारिक मार्गों को अवरुद्ध कर दिया और सामान्य तौर पर 18वीं शताब्दी के मध्य तक उत्तरी पश्चिमी भारत के समृद्ध शहरी केंद्र अपचय की स्थिति में आ चुके थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी प्रांत, मराठाओं के आकस्मिक हमलों ने विनाशकारी युद्ध को बढ़ावा दिया। तो इस तरीके से मुग़ल साम्राज्य लगातार अपने
अपने ही जो कुरीतियाँ जो उन्होंने जो की थी उनका परिणाम उनको मिलना शुरू हो गया। तो सिलसिलेवार पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पहला पार्ट ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति का, तो दूसरा लेकर के आएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।